जा रहे हो लौट के आना, T20 में कुट के जाना, ऐसा कि मियां बे भैया T20 भी खेल के जाना। हम तो ये कह दे भैया, अभी तो टेस्ट में रोहित शर्मा ने पढ़ी है तुम्हारी पत्रा, T20 का भी स्वाद ले लो, हम भी उतार देंगे तुम्हारी भद्रा। ए भैया ऐसे बैग लगा के भगोगे तो कैसे काम चलेगा, वे अभी नहीं भगो T20 और खेलो और मैदान में खड़े खड़े हगो, क्योंकि T20 में तुम्हारे सामने कप्तानी करेगा सूर्या और तुम्हारी पूरी टीम की हम चुटिया खींच लेंगे, बाबूजी बना देंगे सबको, समझी। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सूर्य कुमार, अब की बार तुम्हारी सरकार। अरे भैया हम तो ये कहते हैं जलवा जलाल कर रहे हो तुम भी आजकल, ए डायलॉग जैसे मार रहे हो भैया, बल्ले से शॉट भी वैसे ही मारना, कभी हमने तो देख लो भैया झंडे गाड़ दिए लठ सगा दिया, हमने गेंदबाजी में जलवा जलाल किया है तो ये जयसवाल ने बल्लेबाजी में आए है भैया एकदम कूटम पेलम, बांग्लादेश को तो बिल्कुल सस्ता समझ लिया है। बाकी भैया तुम जैसे डायलॉग मार रहे हो वैसे बल्लेबाजी भी करना तगड़ी, मार मार के भूत बना देना इनको छपरियों को। अबे ना झेली जावे तो हमको बता देना सूर्या भाई, हमको बस तुम बोल देना भैया ऐसा कर देंगे लठ गाड़ देंगे। हमारा नाम है यशस्वी जयसवाल और इंडिया के खिलाफ जो टीमें खेलेंगी हम उन्हीं की उधेड़ देंगे खाल, बल्ला चलाएंगे खूब और करेंगे अंधाधुंध कुटाई, और समझ लो बाकी जो सामने हमारे टीमें आएंगी भैया सब टीमों में मची रहेगी एकदम खलबली, तबाही मची रहेगी तबाही, आग लगा देंगे भैया पानी में। अबे शाबाश शाबाश मेरे शेरो, क्या कमाल किया है तुमने, एक तो खेल शानदार खेला है और बांग्लादेश वालों को अंधाधुंध पेला है। बाकी हम तो ये कहते हैं जलवा है इस नई जोड़ी का, जिसमें एक है नया तो एक है बुढ़ापा, और हमको पता है मैच हारने के बाद बांग्लादेशी बहुत कम यहाँ रुकेंगे, रुकेंगे तो भैया इनको कहना पड़ेगा मजबूरी में हम लोगों से पापा। हमें नहीं नहीं रोहित भाई ज्यादा बड़ी खिस्सा नहीं बनो समझे, इतना मजा नहीं लो, मजा उतना लिया जाता है जितना चल सके, अंदर धुंध उल्टी सीधी बातें करोगे तो बहुत बुरा होगा समझे, हम भी तगड़ा खेलते हैं, मैं मानते हैं हमारी किस्मत खराब है इसी कारण तुम लोग जीत गए, अगर हमारी किस्मत अच्छी होती ना तो तुम्हारा भी खपड़िया चटकाए देते समझे। नाम है हमारा शाकिब मियां और हमने जो ठान लिया वो हमेशा कर दिया समझे, मार मार के तुम्हारी टीम का भी एकदम भूतिया भंग काम कर देंगे। अबे इंडिया वालों के आगे जो हीरो बनेगा वो हमको ऐसा लग रहा है और तगड़ा कुटेगा, वह जिसको हीरो बनना है हम समझ जाते हैं उसकी कुटने की तमन्ना है। वह सूर्या भाई वह नाम है हमारा दरोगा और दरोगा कहेगा वही होगा, ए भैया तुम अपने हाथ पांव टाइट कर लो, बांग्लादेश को अभी और कुटना है, ए T20 में इनको बैंड बजा देना और नए वाले मैदान पे कर दो भैया पूजन, ग्वालियर वाले पे पहले ही मैच है भैया इंटरनेशनल, ए मार मार के इन बांग्लादेशियों का ऐसा कर दो भैया बोरिया में धर देना इन ससुरी वालों को। अबे तथास्तु तथास्तु दरोगा, ए जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। बाकी हम तो ये कहते हैं हाँ भाई साकिब मियां, वह भाई और बताओ कैसा लग रहा है टेस्ट, हमने सुना है तुम हार गए, बड़ी मशक्कत के बाद तुम लोग बताई टेस्ट हार गए, वह लोग बाग चर्चा कर रहे थे भैया कि बांग्लादेश वाले हार गए 7 विकेट से, वह ऐसा कैसे हो गया, हे प्रभु ब्रह्मानंदम ये क्या हुआ, साकिब मियां सूटकेस लेके चल दिया, वह भैया भागने से काम न चलेगा अभी तो T20 भी होएगा और उस T20 में सूर्या अपनी कप्तानी में तुमको धोएगा समझी। अबे सूर्य कुमार वह भैया हमको ऐसा लग रहा है साकिब हो गया है अब हल्का हल्का बीमार, अब तो ये दवाई अवाई लेके तभी डटेगा भैया, वरना इसने तो पूरा प्लान बना लिया भागने का, देख लो इसका मुंह देख लो कैसा काला पड़ता जा रहा है, वह हमको लग रहा है भाई तगड़ी बीमारी लग गई इसको। हाँ भाई साकिब मियां वह कुछ तो बोलो, हमको ऐसा लग रहा है भैया ना बोलने की बीमारी लगी हुई है, वह मार दो भैया कोई झटका वटका मार दो खोपड़ी में मुक्का मुक्का ताकि इनकी थोड़ा जवान चलने लगे, हमको ऐसा लग रहा है पुर्जे जाम हो गए भैया खत्म है खेल गाड़ी का। अबे अश्विन भाई यार भाई कैसी बढ़िया बढ़िया बातें करते हो, अरे भैया कसम से तुम तो मजा दिला देते हो, कोई नया आदमी आ गया तो भैया पागल हो जाएगा हंसते हंसते, देख रहे हो रोहित भाई देख लो भैया इनकी बातें कितनी चटपटी होती जा रही है, अरे मजा दिला दिया भैया। बाकी हम तो ये कहते साकिब मियां भी कम ना है ये ढोंग ढप्पान करने के मामले में,